दिगर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे किस पार्टी के होंगे वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जवाब श्री वामन मिश्राम साहब को जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो आपसे बात करेंगे। उसको शुरू किया लेकिन पूरी तरह नहीं शुरू किया, वो शुरू होना चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी ST ST OBC का रिजर्वेशन लागू करने के पक्ष में हैं हम लोग। और जो अभी किसान की जो फसल खरीदी जाती है उसके लिए जो उनकी मांग थी कि सरकार एक गारंटी कानून बनाए कि उससे कम में खरीद ना हो, हम चाहते हैं कि अगर इस देश प्रदेश की महान जनता हम लोग उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर अपना सहयोग और पक्ष देती है तो हमें चाहेंगे कि उनकी उपज का सही मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले, मूल्य की उनकी गारंटी दी जाए, किसानों को खाद भी सस्ता हो, सिंचाई किसानों के लिए फ्री हो, घरेलू बिजली